हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 1 नवंबर से 9 नवंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ईरान। नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है ईरान देश को। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद किया? तो उत्तर हो जाएगा सियोमी। सियोमी कंपनी ने भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा पावर के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा राजीव महर्षि को। हाल ही में टाटा पावर के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया राजीव महर्षि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता देश कौन सा बनकर उभरा है? उत्तर हो जाएगा भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान देगा? उत्तर हो जाएगा 5 लाख डॉलर का। भारत आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में 5 लाख डॉलर का निवेश करेगा, योगदान देगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में सस्पेंशन ब्रिज गिरने से 134 लोगों की मृत्यु हुई है? उत्तर हो जाएगा गुजरात में। दोस्तों, अभी हाल ही में गुजरात राज्य में सस्पेंशन ब्रिज गिरने से लगभग 134 लोगों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच जोधपुर में गरुड़ सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में गरुड़ सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश कौन सा बना है? उत्तर हो जाएगा रूस। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्टीलमैन कौन थे जिनका निधन हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा जमशेद जे ईरानी। भारत के स्टीलमैन के रूप में जाने जाते थे जमशेद जे ईरानी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बना है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बना है। नेक्स्ट है, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील के। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस देश ने जीता? उत्तर हो जाएगा भारत ने। भारत ने हाल ही में तीसरा सुल्तान ऑफ जोहोर कप जीता है। नेक्स्ट है, फीफा U17 महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? तो उत्तर हो जाएगा स्पेन ने। फीफा U17 महिला विश्व कप जीता है स्पेन ने। नेक्स्ट है, राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 2 हेलीपैड लॉन्च किए? उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। राजनाथ ने हाल ही में लद्दाख राज्य में 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर को। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है 1 नवंबर को। नेक्स्ट है, किस राज्य की मॉमलू गुफा यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली विरासत साइट बनी? तो उत्तर हो जाएगा मेघालय। मॉमलू गुफा यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली विरासत साइट बनी है, और ये किस राज्य की है? ये है मेघालय राज्य की। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो उत्तर हो जाएगा शंकर सुब्रमण्यम। विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है, 17वां उद्धव उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। 17वां उद्धव उत्सव कहाँ मनाया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, देश के नए रक्षा सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा गिरधर अरमाने को। देश के नए रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त कौन हुए हैं? गिरधर अरमाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा बना? तो उत्तर हो जाएगा अमेरिका। प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश बना है अमेरिका। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में स्टैचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन किया गया? उत्तर है राजस्थान में। राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में UPI के जरिए साल 2022 में लेन देन कितने करोड़ रुपए तक पहुंचा? तो उत्तर हो जाएगा 730 करोड़ रुपए। भारत में UPI के जरिए साल 2022 में लेन देन जो पहुंचा है वो 730 करोड़ रुपए तक का हुआ है। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने 8 टन बजनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? तो उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स एजेंसी ने 8 टन बजनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका वजन कितना है? 8 टन है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता साल 2022 में कौन सा देश करेगा? तो उत्तर हो जाएगा घाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सन 2022 में कौन करेगा? घाना देश करेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल ने। इन सभी राज्यों ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया था। कौन कौन से राज्यों ने मनाया था एक बार फिर से याद कर लीजिए, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल ने। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में TB रोगियों की संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 8 मिलियन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में TB रोगियों की संख्या कितनी है? 8 मिलियन है। नेक्स्ट है, फीफा 2022 में किसे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को हाल ही में फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, 41वें शारजहाँ अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में 41वें शारजहाँ अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट है, किस शब्द को कोलिंस डिक्शनरी द्वारा साल 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो उत्तर हो जाएगा पेडियाट्रिशियन शब्द को कोलिंस डिक्शनरी द्वारा साल 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ? उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की? तो उत्तर हो जाएगा रूस ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की है। नेक्स्ट है, UGC ने किस दिन भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं? उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर को। UGC ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति मिशेल ओन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो उत्तर हो जाएगा लेबनान ने। हाल ही में लेबनान देश के राष्ट्रपति मिशेल ओन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप 2022 रेस किसने जीती? तो उत्तर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन ने मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप 2022 रेस जीती है। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन की सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा M. अमृतानंदमयी को। G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है M. अमृतानंदमयी को। नेक्स्ट है, किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। हाल ही में प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट है, FICCI के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत पांडा को। हाल ही में सूर्यकांत पांडा को FICCI के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया, उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, दुनिया के नंबर वन T20 बल्लेबाज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो उत्तर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर वन T20 बल्लेबाज खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है, ICC T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। हाल ही में विराट कोहली ICC T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 आयोजित किया, उत्तर हो जाएगा केरल राज्य ने। हाल ही में केरल राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन किया। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में किसने पुरुष वर्ग में खिताब जीता, तो हो जाएगा आर प्रज्ञानंद ने एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में खिताब जीता है। नेक्स्ट है, एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में किसने महिला वर्ग में खिताब जीता, उत्तर हो जाएगा पीवी नंदीदा ने एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में खिताब जीता। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर के रास्तों का नाम प्रदेश की लाडली लक्ष्मी के नाम पर रखा गया, तो उत्तर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के रास्तों का नाम प्रदेश की लाडली लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया, उत्तर हो जाएगा 5 नवंबर को। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, गंगा नदी उत्सव महोत्सव कब आयोजित किया गया, उत्तर हो जाएगा 4 नवंबर को। गंगा नदी उत्सव महोत्सव आयोजित किया गया है 4 नवंबर को। नेक्स्ट है, देश के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा श्याम शरण नेगी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कौन थे वो, देश के पहले मतदाता थे। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा, तो उत्तर हो जाएगा पहले स्थान पर। विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में भारत ने स्थान प्राप्त किया है पहला। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीती, तो उत्तर हो जाएगा मुंबई शहर ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2021 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो उत्तर हो जाएगा केरल। केरल राज्य हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2021 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, उत्तर हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू को हाल ही में इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया, उत्तर हो जाएगा 7 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे, तो उत्तर हो जाएगा गुयाना के। मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे गुयाना के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस शहर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया, उत्तर हो जाएगा श्रीनगर में। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। 8 नवंबर को एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए, उत्तर हो जाएगा रूस। 8 नवंबर को एस जयशंकर रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फ्रांस द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा अरुणा सायराम को हाल ही में फ्रांस द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई, तो उत्तर हो जाएगा उज्जैन शहर में। हाल ही में उज्जैन शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तर हो जाएगा बिहार में। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला शुरू हुआ है बिहार में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद तैयब इकराम को। हाल ही में मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, आईसीसी के द्वारा किसे अक्टूबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा विराट कोहली को। हाल ही में विराट कोहली को आईसीसी के द्वारा अक्टूबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, आईसीसी के द्वारा किसे अक्टूबर महीने की प्लेयर ऑफ द मंथ महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो उत्तर हो जाएगा निदा डार को। आईसीसी द्वारा अक्टूबर महीने की प्लेयर ऑफ द मंथ महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? निदा डार को। नेक्स्ट है, तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर ने अपनी संपत्ति कितने करोड़ रुपए घोषित की है? उत्तर हो जाएगा 2.5 लाख करोड़ रुपए। तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर ने अपनी संपत्ति घोषित की है 2.5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 2,50,00,000 रुपए, लगभग 2.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, किस देश ने बिडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की? तो उत्तर हो जाएगा चीन ने। हाल ही में चीन ने बिडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है। नेक्स्ट है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया? उत्तर हो जाएगा रेडियोलॉजिस्ट्स एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट्स। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2022 की थीम याद कर लीजिएगा, रेडियोलॉजिस्ट्स एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट्स। नेक्स्ट है, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में। हाल ही में अदानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो उत्तर हो जाएगा निवेशक दीदी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, ये 1 नवंबर से 9 नवंबर तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो मैंने आज की वीडियो में ले लिए थे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।